माय डियर स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 14.4 ऑफ चैप्टर नंबर 14 क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट एंड फर्स्ट वन फाइंड एंड करेक्ट द एरर। व्हाट इज द मीन ऑफ द एरर स्टूडेंट? इन द केस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वेशन? जैसे हम एलजेब्रा पढ़ते हैं, एलजेब्रा दैट मीन्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इन द प्रीवियस चैप्टर वी ड्रॉ अ लाइन एंगल्स दैट मीन्स अ ज्योमेट्री। उससे पहले हमने नंबर देखा दैट मीन्स अ न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। ये जो हमारे सामने है एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारा का सारा अल्फाबेट और नंबर का कंपोजिशन है, दैट मीन्स अ एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपको दो चीजें मिलती है, पॉलिनोमियल एंड सेकेंड वन इज अ इक्वेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन? फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दैट मीन्स अ पॉलिनोमियल, बट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। एक ऐसा जिसमें एल एच एस भी हो आर एच एस भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द इक्वेशन विच कंसिस्ट द एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर नोन एज द इक्वेशन। अगर सिर्फ एक ही पोर्शन होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। उसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। सो स्टूडेंट, हियर वी गेटिंग द नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अंडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, फर्स्ट वन करेक्ट, फाइंड एंड करेक्ट, वी हैव टू फाइंड एरर देन करेक्ट द एरर। दो चीज करना है मुझे, एरर्स को फाइंड आउट करना है और सेकंड उसको करेक्ट करना है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, कैसे एरर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्वल के जो इधर लिखा हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आर नोन एज आर एल एच एस एंड दिस आर नोन एज द आर एच एस। तो पहले हम एल एच एस को लेके चलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, 4 into x minus 5 into 4 into x विल बी इक्वल ऑफ 4x, 4 into 5 विल बी इक्वल ऑफ 20। मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 4x minus 20। बट यहाँ पर कंपेयर विथ आर एच एस, हमारे पास आर एच एस कितना दिया है स्टूडेंट? आर एच एस विल बी इक्वल ऑफ 4x minus 5। तो ध्यान से देखिए मेरी एरर कहाँ पर मिल रही है स्टूडेंट? ठीक है, 5 विल बी रिप्लेस बाय 20। फर्स्ट वन, पहला आपको क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट? ठीक है, एल एच एस हमने लिया है, एल एच एस दैट मीन्स 4x minus 5, 4 into x equal to 4x, 4 5 20। बट आर एच एस विल बी इक्वल ऑफ 4x minus 5। मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, 5 विल बी रिप्लेस बाय 20। ओके स्टूडेंट, मतलब मेरे पास क्या आंसर आएगा? 4x minus 20। सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन, x इंटू एल एच एस लीजिए, एल एच एस विल बी इक्वल x into 3x plus 2, x into x विल बी इक्वल ऑफ 3x square, x into 2 विल बी इक्वल ऑफ 2x, कंपेयर विथ आर एच एस। वाट इज द डिमांड ऑफ आर एच एस? 3x square plus 2। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एल एच एस कंपेयर विथ आर एच एस, तो मुझे यहाँ पर एक क्या कम है? एक्स। मतलब या तो मैं यहाँ पर x को पुट करूँ, कंपलसरी x पुट करूँगा तभी तो ये कितना बनेगा? 2x। सो एरर इन RHS, RHS में क्या एरर है? मुझे x की जरूरत है। ओके स्टूडेंट, अगर जो आपको समझ आया तो ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड वी टेक द सिंपल एल एच एस इन द फॉर्म 2x plus 3y। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं 2x plus 3y विल बी इक्वल ऑफ 5xy। बिल्कुल गलत। इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो x विल बी मल्टीप्लाई बाय y, x विल बी मल्टीप्लाई बाय y, तो 6xy आएगा।
बट यहाँ पर टू एंड थ्री बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट, एक्स एंड वाई बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब कभी भी ये 5xy नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर जो मैं यहाँ 5 रिप्लेस बाय 20, सो LHS विल बी इक्वल ऑफ RHS। नेक्स्ट वन, इफ 2 एडिट विद द एक्स, मतलब 2 के साथ एक्स भी लिख दूँ तो LHS विल बी इक्वल ऑफ RHS। बट इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं कुछ भी करूँ LHS नथिंग विल बी इक्वल ऑफ RHS। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेर इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स प्लस 2x प्लस 3x। स्टूडेंट जस्ट फोकस, एक्स प्लस 2x विल बी इक्वल ऑफ 3x, एक्स प्लस 2x विल बी इक्वल ऑफ 3x एंड 3x प्लस 3x विल बी इक्वल ऑफ 6x। ध्यान से देखिए, LHS एक्स प्लस 2x प्लस 3x विल बी इक्वल ऑफ 6x, बट RHS विल बी इक्वल ऑफ 5x। मुझे कितना चाहिए, या तो मैं 5 को 6 से रिप्लेस करूं या तो मैं 7 में प्लस x करूं, डिपेंड्स ऑन यू। टू टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। हमको ये बोला था कि हमको देखना है क्या इरर है। इन द केस ऑफ द LHS x प्लस 2x विल बी इक्वल ऑफ 3x एंड 3x प्लस 3x विल बी इक्वल ऑफ 6x। फर्स्ट वन स्टूडेंट, इन द केस ऑफ RHS हियर 5x 5x एंड हियर 6x। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, अगर जो मैं 5 को 6 से रिप्लेस कर दूं तो LHS विल बी इक्वल ऑफ RHS, फर्स्ट वन, या तो मैं प्लस x कर दूं तो 5x प्लस x इक्वल टू 6x। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द LHS विल बी इक्वल ऑफ 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, 5 प्लस 2 विल बी इक्वल ऑफ 7y प्लस y माइनस 7y, 7y विल बी कैंसल बाय 7y, फाइनल आंसर विल बी इक्वल ऑफ y। ओके, बट व्हाट इज RHS? RHS विल बी इक्वल ऑफ 0। ठीक है, हाउ टू y विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ 0? या तो मैं LHS में 0 से मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट चॉइस स्टूडेंट, जैसे ही मैं LHS में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। दैट मींस LHS विल बी इक्वल ऑफ RHS। बट मैथमेटिक्स का कोई रूल नहीं है कि हम क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में 0 से मल्टीप्लाई कर सकते, ऐसा कोई मैथमेटिकल रूल नहीं बना है अब तक। ठीक है, RHS में क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस वाई। जैसे ही हम RHS में प्लस वाई करेंगे, 0 प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ वाई, सच देट वी कैन राइट LHS विल बी इक्वल ऑफ RHS। ओके स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं हमको क्या करना है? यहाँ पर LHS और RHS को कंपेयर करना है, और LHS और RHS को इक्वल करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो प्लस माइनस इनटू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, LHS विल बी इक्वल ऑफ 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x विल बी इक्वल ऑफ 5x, बट RHS विल बी इक्वल ऑफ 5x स्क्वेयर। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एक्स, वन टाइम, एंड हियर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एक्स, टू टाइम्स। टू इक्वल बिटवीन द LHS एंड RHS वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एक्स इन LHS। नहीं आई मेरी बात समझ में, फिर से समझिए, LHS विल बी इक्वल ऑफ 5x एंड RHS विल बी इक्वल ऑफ 5x स्क्वेयर। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एक्स इन LHS। क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, LHS विल बी इक्वल ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। स्टूडेंट होल स्क्वेयर, व्हाट इज द मीन ऑफ द होल स्क्वेयर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 7। ओके स्टूडेंट, बट हियर RHS विल बी इक्वल ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7। ध्यान से देखिए,
देखिए क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, मुझे कितने की जरूरत है, टू की। बिल्कुल गलत, वी नीड 2x स्क्वेयर। जैसे हम 2x स्क्वेयर लेंगे तो 2 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 4x स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, क्या करना है मुझे, LHS और RHS को इक्वल करना है। मुझे इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसी को हम क्या समझ रहे हैं, एरर्स। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, 2 2 जा 4 इन द केस ऑफ द LHS, 2x² + 5x विल बी इक्वल ऑफ 2 2 जा 4x² + 5x। ओके स्टूडेंट, बट इन द केस ऑफ RHS, RHS दैट मीन्स अ मिड टर्म। फर्स्टली यहाँ पर कितनी टर्म है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म। सो मिड टर्म, मिड एक्सप्रेशन विल बी इक्वल ऑफ 4x + 5x = 9x एंड RHS ऑल्सो विल बी इक्वल ऑफ 9x। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बोथ आर द इक्वल, 9x विल बी इक्वल ऑफ 9x, दैट मीन्स इन दोनों में कोई इरर नहीं है, बट यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल इरर्स है। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14.4। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 14.4 आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स विल बी इक्वल ऑफ -3। जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे अपनी बुक में तो आपको यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस भी होगा, -2 होल स्क्वायर + 3 4 4 ऐसा, विल बी इक्वल ऑफ -5 -20, जो भी दिया है वो क्या है, गलत आंसर है। मुझे क्या निकालना है, सही आंसर निकालना है बाई पुटिंग एक्स विल बी इक्वल ऑफ -3। फर्स्ट वन, पुटिंग पुटिंग एक्स विल बी इक्वल ऑफ -3 सच देट -3 होल स्क्वायर + 5 - 3 + 4। स्टूडेंट -3 होल स्क्वायर, यू नो दैट माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ प्लस, सो हियर 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 एंड प्लस 4। ओके स्टूडेंट, 9 + 4 विल बी इक्वल ऑफ 13 एंड प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ -2। सो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल ऑफ -2 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ -3 सच दैट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी इक्वल ऑफ -3 स्क्वायर 5 - -3 + 4। स्टूडेंट अगेन माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 एंड हियर 4। ओके स्टूडेंट, 4 + 9 विल बी इक्वल ऑफ 13 एंड 13 + 15 इक्वल टू 28। फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अंडर द क्वेश्चन नंबर 3, वी गेटिंग द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म x² + 5x बट x विल बी इक्वल ऑफ 3। सो पुटिंग पुटिंग एक्स विल बी इक्वल ऑफ -3, सो सॉल्यूशन -3 स्क्वायर + 5 - -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। सो प्लस माइनस माइनस लास्ट सॉल्यूशन विल बी इक्वल ऑफ -6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें और बुक में क्या, बुक में आपको एक सॉल्यूशन दिया है बट आंसर क्या है करेक्ट नहीं है। वी हैव टू फाइंड द एरर इन अ सॉल्यूशन एंड हैव टू करेक्ट। सो फर्स्टली वी पुटिंग एक्स इक्वल टू -3 - 3 होल स्क्वायर - 3 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 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 माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 विल बी इक्वल ऑफ प्लस एंड हियर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, y - 3 होल स्क्वायर, वी टेकिंग द LHS विल बी इक्विवेलेंट ऑफ y - 3 होल स्क्वायर। वी नीड अ आइडेंटिटी, a - b होल स्क्वायर विल बी इक्वल ऑफ a² - 2ab + b² वेयर
ए विल बी इक्विवेलेंट ऑफ वाई एंड बी विल बी इक्विवेलेंट ऑफ थ्री सच देट वाई स्क्वेयर माइनस टू इंटू वाई इंटू थ्री प्लस थ्री होल स्क्वेयर. सो सोल्यूशन विल बी इक्वल ऑफ थ्री टू जा सिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन. स्टूडेंट आर एच एस विल बी इक्वल ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस नाइन. देखिए इरर कितनी है, यहाँ पर माइनस नाइन है और यहाँ पर कितना है प्लस. एंड दिस इज अ एडिशनल पार्ट. ओके स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना हमको, पेपर में सॉल्व करना है और आर एच एस के साथ कंपेयर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जेड प्लस फाइव होल स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस 25. नाउ वी टेक अ सिंपल एल एच एस जेड प्लस फाइव होल स्क्वेयर. वी नीड अ सिंपल आइडेंटिटी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. ए प्लस बी होल स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी वेयर ए विल बी इक्वल ऑफ जेड एंड बी विल बी इक्वल ऑफ फाइव सच देट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी. ओके स्टूडेंट जेड होल स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ जेड स्क्वेयर फाइव फाइव जा 25 एंड फाइव टू जा जेड. कंपेयर विद द आर एच एस, हियर आर एच एस विल बी इक्वल ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस 25. दैट मीन्स दिस पार्ट इज द एडिशनल. ओके स्टूडेंट आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 14.4. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांति बनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजद. स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर बिटवीन द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम आवर चैनल. थैंक यू सो मच.